हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कुछ गुणा देखेंगे, ठीक है, जो हम क्या करेंगे उसको आसान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। गुणा से बहुत लोग देखे के डर जाते हैं, ठीक है, वो सोचते हैं अरे इतना बढ़िया गुणा है कैसे होगा, इतना बढ़िया गुणा है कैसे होगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए आज आसान तरीका हम लेके आए हैं, ठीक है। देखिए आसान तरीका क्या है, इसका एक रूल है, ठीक है। रूल ये है कि जब ऐसा गुणा हो, ऐसे दो संख्याओं का आपस में गुणा हो जिसका इकाई वाला अंक का योगफल 10 के बराबर हो जाए, ठीक है। जैसे 7 3 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, 5 6 10 हो गया, आपका 6 4 10 हो गया, 7 3 क्या हो गया, 10 हो गया। इनका जो इकाई वाला अंक हो उनका योगफल 10 हो और दहाई वाला क्या हो, सेम हो, ठीक है। उस संख्या का हम क्या करेंगे, गुणनफल देखेंगे, गुणा देखेंगे, ठीक है। देखिए ट्रिक, मैजिक एक प्रकार से, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में कर देगा, एक बार और बता देंगे इसी चीज़ को, चलिए ठीक है। लेकिन हमारे पढ़ाने पर समझ नहीं आए, एक हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि हम होने नहीं देंगे। चलिए आइए देखिए कैसे अब क्या करेंगे। यही है इकाई वाले अंक का इकाई में गुणा कर देते हैं, तो चलिए कर दीजिए, 7 में 3 के करेंगे तो 7 3 के 21, ये हो गया आपका क्या, 21 हो गया। अब ये 3 है, 3 की क्रमागत संख्या ले लेंगे, 3 की क्रमागत संख्या में गुणा कर देंगे तो 3 4 12 हो जाएगा आपका 1221, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ऐसा करिए, 6 4 24, ये 24 हो गया आपका, ठीक है फ्रेंड्स, ये 24 हो गया। और 6 से 1 आगे 7 आएगा, 7 6 42 हो जाएगा इसका, 42 24। अब इसी तरह करिए इसी का भी, तो 6 4 24, इसका लास्ट अंक भी 24 हो जाएगा। और 5 से आगे 6 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार 6 4 यहाँ भी 24 हो जाएगा, ठीक है। और 7 से 8 में गुणा करते 7 8 56, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार इसका देख लीजिए, 7 में 3 रख लीजिए, 7 3 21, और 10 से आगे एक संख्या होती है 11 11 10 का गुणा कर दीजिए, 110, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अब कमेंट बॉक्स में हम दे दे रहे हैं 4 5 करके बताइएगा, ठीक है। 57 गुणा ये लिया जाए कितना, 53 ले लिया जाए, ठीक है, इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ले लीजिए 17 गुणे क्या ले लिया जाए, 13 ले लिया जाए, इसका सॉल्व करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।